हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमने यहां कहीं पे एक कॉल साइड में मैंने यहां पे ट्रेड दिया था। यहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, छोटा मोटा प्रॉफिट हो गया क्योंकि रेंज के अंदर मार्केट था, प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाता। तो यहाँ पे हम लोग का कहीं पे मैंने ट्रेड दिया था, वो कॉल साइड का ट्रेड था। यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैंने 48,400 का कॉल दिया था 180 पे, उसने जाके 240 तक एक मूवमेंट दे दिया था शायद। तो यहाँ पे पोजीशन भी मैंने लगा के दिखाया था क्योंकि सुबह वाले रेजिस्टेंस को मार्केट सुबह वाले यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया था तो वापस ये वाला ट्रायंगल फॉलो कर रहा था, तो इसके लिए ऊपर साइड में कोई मूवमेंट नहीं आ रहा था तो मैं वेट कर रहा था। उसके बाद में क्रॉस ओवर हुआ तभी भी हम लोग ने ट्रेड ले लिया। मैंने बोला था कि निफ्टी के क्रॉस ओवर के लिए वेट करेंगे। उसके बाद में मैंने कॉल लिया था, यहाँ पे एक सी दिया था, उसका एसएल चला गया, ठीक है। मैंने उसके बाद में डे क्लोज कर दिया, बोला एसएल गया तो मुझे डे ग्रीन में रखना था। और उसके बाद में हम लोग ने एक 48,200 का कॉल यहाँ पे बीटीएसटी के लिए बाय किया 210 पे। तो देखते हैं अभी क्या होता है, कल मार्केट अगर गैप अप होगा सॉरी गैप डाउन हो जाएगा तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला है। 48,200 का पुट मैंने यहाँ पे 210 पे बाय करने के लिए बोला है। आज भी हम लोग ने बीटीएसटी एक बुक किया है, सुबह के टाइम पे यहाँ पे 60-70 पॉइंट्स का मिला था। उसके बाद में अगर रुकते तो 100-150 पॉइंट तक एक मोमेंटम मिला था, लेकिन आपको ट्रेल करते तो ठीक था, नहीं तो आपने बुक किया रहेगा तो 60-70 पॉइंट ही आपको मिल गया रहेगा। तो अभी कल के लिए अभी बैंक निफ्टी का मूव क्या है, मूवमेंट क्या हो सकता है। देखिए कल मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, शायद मैं कल नहीं रहूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इस वाले ट्रैंगर के यहाँ पे कहीं पे ओपन देखिए ऊपर साइड में ब्रेकआउट करेगा तो एक तेज ऊपर के साइड में मोमेंटम आ सकता है। लेकिन देखिए मार्केट अगर इस वाले सपोर्ट के आसपास में कहीं ओपन होकर नीचे के साइड में ब्रेक करेगा तो नीचे के साइड में भी ये वाले सपोर्ट का एक मूवमेंट आ सकता है। मैंने 48,000 का एक लेवल बोला है, वहाँ तक एक नीचे के साइड में मोमेंटम आ सकता है। लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है, कल की क्लोजिंग के यहाँ पे अगर सपोर्ट होता है तो यहाँ से भी मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है क्योंकि मार्केट बाय ऑन डीप है। मैं कल भी आपको बोला था जैसे मार्केट में डीप मिलेगा बायर इसको कंट्रोल करके वापस ऊपर के लेके साइड में जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे मैं हम लोगों ने कहीं पे एडवांस पोजिशन यहाँ पे बनाई थी, उस टाइम पे मैं यहाँ पे लाइव भी आया था और ये एडवांस पोजिशन मैंने यहाँ पे शेयर भी किया था। ये वाला पोजिशन हम लोग ने वापस बनाया था तो इस वाले पोजीशन में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम बोला, तो मैंने बोला था कि एडवांस क्यों लेना है क्योंकि यहाँ से जब बाइंग आएगी तो आपको पता भी नहीं चला मार्केट यहाँ से तेज भाग सकता है, तो मैंने यहाँ पे एक एडवांस दिया था। तो इसी तरीके से निफ्टी में भी दिया था, निफ्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी ने वाला ट्रायंगल फॉलो किया, इसकी वजह से कुछ मूवमेंट नहीं मिला, छोटे मोटे प्रॉफिट्स मिलेंगे। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, छोटे मोटे मिलेंगे तो वो तो लेके शांत बैठ जाओ, नहीं तो लॉस लिया रहेगा, तो भी एक छोटा सा लॉस ही होना चाहिए। पर डे आपने लॉस में क्लोज किया रहेगा तो भी ठीक है, लेकिन वैसे तो क्लोज में होना नहीं चाहिए लॉस में। अगर आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके कॉल्स ले लेंगे मेरे तो आप यहाँ पे लॉस नहीं क्लोज करने वाले नहीं हो। तो कल के रिव्यू ये वाला ट्रायंगल आप देख के रखिए, उसके ऊपर कहीं पे मिलता है ऊपर की साइड में जा सकते हैं, इसके नीचे के साइड में, नीचे के साइड में ये वाला कल के वाले क्लोज तक एक सपोर्ट तक एक मूवमेंट आ सकते हैं। अगर मान लीजिए गैप डाउन हो के यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो नीचे के साइड में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, 200-300 पॉइंट का एक मूवमेंट आ सकता है। लेकिन गैप डाउन हो जाएगा तो हमें हमारे बीटीएसटी में प्रॉफिट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट जो भी बीटीएसटी में मिलेगा वही बुक करके काम बंद कर दूंगा। अगर मिलता है छोटा मोटा एंट्री तो मैं बाद में 10-11 बजे के बाद में ले लूंगा। तो ऐसे एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहिए, ये फ्री टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ऐसे एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब।